सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। आपको बताते चलें कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस से पहले बात करेंगे, इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, सैलाब जदगान की मदद करते, वतन के बेटे वतन पर कुर्बान हो गए, कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया। टॉपिक, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद शहीद हो गए। पाकिस्तान आर्मी एविएशन के बहादुर पायलट बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में शरीक हैं। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर सैलाब में फंसे अफराद को निकालने में मसरूफ हैं। सिटी न्यूज नेटवर्क की टीम और पूरी कौम अपने बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद सिविल लाइंस फैसलाबाद के रिहायशी थे। शहीद का जसद खाकी रावलपिंडी पहुंचाया जाएगा। फौजी एजाज के साथ शहदा कब्रिस्तान रावलपिंडी में तदफीन होगी। शहीद की पसमानदगान में बेवा, तीन बेटियां और तीन बेटे शामिल हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे हाशिर बड़ाइच। जी हाशिर। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान के अंदर इमदादी कार्रवाई में मसरूफ़ अमल हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया, जिसके बाद अब बाकायदा तौर पर ISPR की जानब से हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद जो 6 पाक फौज के नौजवान थे उनकी शहादत की तस्दीक कर दी गई है, जिनमें से एक नौजवान जिन जो कि ब्रिगेडियर खालिद है, उनका ताल्लुक फैसलाबाद से था। इस वक्त फैसलाबाद में मैं उनकी रहाइशगाह पर मौजूद हूँ। यहाँ पर उनके करीबी रिश्तेदार जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सच्ची बात करने वाला मेहनती और शुरू से उसका आर्मी ज्वाइन करने का पैशन था। फैसलाबाद से उसकी एजुकेशन है, इसलिए उसने पहली ट्राई ज़िंदगी के हवाले से जो कि वो आर्मी में ज्वाइन करने की थी, तो पहली ट्राई में वो इलेक्ट हो गया था। तो हमेशा डेडिकेटेड था मुल्क के लिए, अपने जॉब के लिए, तो फ़ख्र है कि वो मुल्क के लिए, मुल्क के लोगों के लिए सैलाब की तबाहकारियों को रोकने में अपनी खिदमात देते हुए उसने अपनी जान कुर्बान की। अल्लाह ताला उसकी मगफ़रत फरमाए, उसके दर्जात बुलंद करे, और ये हमारे लिए, हमारे ख़ानदान के लिए वैसे फ़ख्र है कि हमारे भाई ने इस मुल्क के लिए, लोगों के लिए जान दी है। बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना है कि वो शुरू से ही उनको पाक आर्मी ज्वाइन करने का शौक था और पहली ट्राई उन्होंने दी, जिसके बाद वो पाक फौज के अंदर जो है सिलेक्ट हो गए और उनको शुरू से ही ये जज्बा था। बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से। तो अकबर एस बाबर सच्चे और इमरान खान झूठे साबित। PTI ने बैरून मुल्क से ममनुआ फंड दिए, इमरान खान ने अकाउंट्स छुपाए। इलेक्शन कमीशन ने 8 साल बाद ममनुआ फंडिंग केस का मुतफिका फैसला सुना दिया। भारतीय निजात समेत 34 गैर मुल्की शहरियों ने फंड्स दिए। वोटन क्रिकेट समेत 351 गैर मुल्की कंपनीज ने मदद की। इमरान खान ने अपने दस्तखत से खुलवाए 2 अकाउंट्स भी छुपाए। मजमूई तौर पर 16 बेनामी अकाउंट्स निकले। ममनुआ फंडिंग आर्टिकल 17 के जुमरे में आती है। इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई के लिए फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। वज़ीर आज़म हाउस में हुकूमत की तहादी और PDM जमातों का सरबराही इजलास हुआ। इजलास में इलेक्शन कमीशन फैसले पर तफसीली मुशावरत की गई। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन फैसले पर कानूनी टीम बनाने का फैसला किया। वज़ीर कानून की सरबराही में कानूनी टीम फैसले पर सिफारिशात मुरतब करेगी। फारूक इसनायक, कामरान मुर्तजा भी कानूनी टीम का हिस्सा होंगे। इजलास में सैलाब की सूरत हाल, खुसूसन पाक आर्मी के अफसरान की शहादत पर गहरे दुख का इजहार किया गया और शहदा के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। मजीद इस इजलास का अहवाल जाने हमारे नुमाइंदे अवैस क्यानी से। जी अवैस, बताइएगा। प्राइम मिनिस्टर हाउस में कुछ देर पहले जो है PDM के सरबराही इजलास जो है वो अख्तिताम पज़ीर हुआ। इजलास जब शुरू हुआ तो जो हेली जो हादसा था उसमें जो शहदा हैं उनके लिए जो है वो दुआ की गई, उनके ख़ानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की गई। उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो 1 पॉइंट एजेंडा था उस पर जो है तफसीली मशावरत हुई है। PDM के जो जमातों के जो सरबराहान थे उसमें मौजूद थे, वीडियो लिंक्स पर कुछ कायदीन जो है वो मौजूद थे। इस पर जो वज़ीर कानून हैं उन्होंने जो है तफसीली जो है ब्रीफिंग दी और आज के जो फैसला आया है उस पर जो है जो मामलात हैं उसको जो है PDM के सामने रखा। और उस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आज इमरान खान का जो झूठ है वो बेनकाब हुआ है। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान का कहना था कि हुकूमत को इस मामले में जो है वो जल्दी नहीं करनी चाहिए बल्कि समझदारी के साथ जो है वो इसको आगे लेकर जो है वो जाना चाहिए। इसका नतीजा ये निकला है कि काफ़ी डिटेल जो मशावरत हुई है उस पर एक जो कमेटी है, जो कानूनी कमेटी लॉ मिनिस्टर की जो ज़ेर क़यादत जो है वो बनाई गई है, जिसमें फारूक चिनाई, कामरान मुर्तजा और दीगर जो अरकान जो हैं PDM के वो इसमें जो है शामिल होंगे। और कानूनी जो टीम है वो अपनी
बर्शात जो है वो पीडीएम के इजलास में ही रखेगी। पीडीएम ने यह भी फैसला किया है कि जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है इसको कैबिनेट में लेकर जाना है, वहाँ पर बहस करवानी है और कैबिनेट जो अगर मंजूरी देगी इस पर कानूनी जो कार्रवाई करनी है उसको फिर आगे लेकर जो है बढ़ना है। लेकिन दूसरी तरफ वफाकी वज़रा को जो पीडीएम के जो कायदीन हैं उनको ये टास्क दिया गया है कि इस फैसले के तनाजुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पीटीआई को जो है वो टफ टाइम भी देना है। तो आज एक कमेटी तश्कील दी गई है जो कि अपने जो सिफारशात जो है वो पीडीएम इजलास में जो है वो पेश करेगी और उसके बाद वही सिफारशात जो हैं वो कैबिनेट में लेके जाया जाएगा, कैबिनेट में डिस्कशन होगी और उसकी मंजूरी दी जाएगी कि आया इसको रेफरेंस इसका दायर करना है, आगे कौन सी कानूनी जो है वो कार्रवाई अमल में लानी है। चूँकि बहुत से कानूनी मामला थे और जिस तरह के लॉ मिनिस्टर कह रहे थे कि इसमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से जो है आर्टिकल जो है कानून जो है उसकी खिलाफ वर्जी हुई है और इसको कैसे आगे लेकर जाना है, इस पर तफसील डिटेल जो है मशावरत होगी। जो कानूनी जो टीम तश्कील दी गई है उसका पहला इजलास जो है वो कल सुबह होना है और उसमें जो है तमाम तर लाहे अमल जो है मुरतब करना है। अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले से साबित हो गया कि चोर कौन है। 8 साल की तहकीकात के बाद सबसे बड़ी चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो गई। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में मियां नवाज शरीफ का कहना था कि इमरान खान मुल्क दुश्मन कुव्वतों का आलाकार है, यह गैर मुल्की एजेंडा पाकिस्तान पर नाफिज कर रहा था, अवाम और सियासी पार्टियों को इसके खिलाफ फौरी एक्शन लेना चाहिए। और ईमानदार हूँ और मैं चोरी नहीं करता, बाकी सब चोर हैं। सबसे बड़ी तारीख की चोरी साबित हो गई, सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो गई, पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा डाका डाला हुआ है और लोगों की बेचारों की महंगाई में कमर टूट गई है। जो कानून और आइन के मुताबिक इसके खिलाफ एक्शन है वो फौरन लें इस बंदे के खिलाफ, इसने पाकिस्तान के मुआशरे को तबाह करके रख दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया है कि फॉरन फंडिंग केस का फैसला इमरान न्याजी के खिलाफ फर्द जुर्म है, इमरान ने झूठा हल्फनामा जमा कराया, गैर मुल्की फंड लिए, आइन की खिलाफ वर्जी की, कौम को गैर मुल्की फंडिंग के सियासी असरात पर गौर करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज शरीफ का ट्वीट भी सामने आया है। मरियम नवाज का कहना है कि कौम को गुलामी से निजात का भाषण देने वाला खुद बैरूनी ताकतों का गुलाम साबित हुआ, इनसे पैसा लेता रहा और इस पैसे को मुल्क में फितना फसाद और बर्बादी के लिए खर्च करता रहा। इस फॉरेन एजेंट को पाकिस्तान के तरक्की को रोकने और सीपैक के खात्मे के लिए लॉन्च किया गया था। फितना खान पाकिस्तान का पहला और वाहिद सियासतदान है जो एक ही फैसले में नाकाबले तरदीद सबूतों के साथ बयक वक्त झूठा, करप्ट, मनी लॉन्डरर और बैरूनी कुव्वतों के एमा पर काम करने वाला साबित हुआ। इसका अपना ही बनाया हुआ झूठा ईमानदारी और हुब्बुल वतनी का बुत आज औंधे मुंह गिर गया। माहिर कानून इरफान कादिर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का फैसला दूरस नतीज का हामिल है, फैसले की रोशनी में इमरान खान पर 62 वनेफ का इतलाक होता है, माजी में मामूली इनहराफ पर पार्लियामेंटेरियंस को नाहल किया गया, मामला अदालत में गया तो भी इमरान खान का बचना मुश्किल है। देखिए, इससे पहले बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जहां पे कि पार्लियामेंटेरियंस को किसी तरह से कोई चीज डिक्लेयर ना करने पर या सच्चाई से काम ना लेने पर इससे बहुत कम यानी इनहराफ पर उनको उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया और उनको मेंबर पार्लियामेंट नहीं रहने दिया आर्टिकल 62(1)(f) के नीचे। तो लिहाजा अगर उन प्रेसिडेंट्स हम देखें तो फिर बड़े साफ तौर पर लिखा है कि उन्होंने जानते बूझते हुए ये सारी चीजों का उनको पता था और उन्होंने एफिडेविट में भी गलत बयानी की और उन्होंने अकाउंट छुपाए। तो ये वो जो 62(1)(f) है जहाँ पे कहा गया है कि जी कोई भी शख्स जो ऑनेस्ट नहीं है, जो अमीन नहीं है और वो डिस्क्वालीफाइड समझा जाएगा, तो वो वाला जो प्रोविजन है वो अट्रैक्ट होता है बिकॉज जो बेसिक क्वालिफिकेशन है टू बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट वो ये है कि इट शुड बी सगेशियस, राइटियस, नॉन प्रोफ्लिगेट, ऑनेस्ट और अमीन। तो ये तमाम चीजें जो है वो उससे फिर नेचुरली मामला जब
उनका अदालत में जाएगा तो अदालत की बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनको इस चीज से, यानी 621F से नाहल करने से बचाने के लिए बहुत मुश्किल होगा अदालत के लिए, क्योंकि यहाँ तो अदालत के जो पुराने प्रेसिडेंट्स हैं जो उनको वो दोबारा रिविजिट करें तो फिर खासा बच सकते हैं, वरना अगर उन्हीं प्रेसिडेंट्स पे जो कि इस वक्त मौजूद हैं उसके होते हुए ये जो वॉयलेशंस हैं ये बहुत बड़ी हैं, और इससे बहुत कम वॉयलेशन पे चूंकि पार्लियामेंटेरियंस को घर भेजा गया है और उनको नाअहल करार दिया गया है, तो वो तमाम चीजें देख के तो लगता है कि इनको भी नाअहल करार दे दिया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर खजाना सेनेटर इसहाक डार कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अपना काम कर दिया, अब तमाम इदारे अपना किरदार अदा करें। ममनुआ फंडिंग लेने वालों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई करना होगी, उनका मजीद क्या कहना है ये जानने के लिए चलते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम अहमद से जो कि इस वक्त लंदन में ही सेनेटर इसहाक डार के साथ मौजूद हैं। जी वसीम, बताइएगा क्या कहना है इसहाक डार का। पाकिस्तान ने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुना दिया, इस हवाले से हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वजीर खजाना इसहाक डार साहब। डार साहब बताइएगा, आज फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ गया जिसका तकरीबन 8 सालों से इंतजार था, तहकीकात हुई गई, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा दिन है जिसमें कई इंकशाफात हुए हैं, और 8 साल से जो जिस चीज़ का कौम को इंतज़ार था, और इमरान नियाजी जो अपने आप को बहुत सादक अमीन का सर्टिफिकेट दिलवा चुके थे पिछले चंद साल पहले, आज वो साबित हो गया कि वो ना सादिक है ना अमीन है, यानी उनकी जो पार्टी है उन्होंने आइन और कानून के ख़िलाफ़ ऐसी लोगों से ममनुआ फंडिंग जिसे कहते हैं वो ली, और दुनिया के जो पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, जो दूसरी दुनिया में दूसरे मुल्कों में कंपनीज़ हैं ये बैन हैं, तो ये इसको कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग और ममनुआ या प्रोहिबिटेड फंडिंग। तो इसके नतीजे में जो हमारा आइन कानून कहता है कि कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी ये काम करेगी तो उस पार्टी को बैन कर दिया जाएगा, उसका प्रोसीजर है, वो हुकूमत को फॉलो करना पड़ेगा और करना चाहिए, ताकि ये एक तारीख में ये हम मिसाल छोड़ें कि अगर आप गैर मुल्की जो इंटरेस्ट हैं, गैर मुमालिक के जो लोग हैं नेशनल्स, उनसे अगर आप फंडिंग लेंगे तो फिर आपकी पार्टी जो है उस आइन की ख़िलाफ़ वर्जी के नतीजे में फिर ये सज़ा भी भुगतेगी। उसका अपना कानून है, उसके लिए अपना लीगल एक्शन की ज़रूरत है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की ज़िम्मेदारी आती है उसमें। तो मैं समझता हूँ कि इनको अब डिक्लेयर होना पड़ेगा, इनको यानी डिसक्वालीफाई करना चाहिए कि ये 621F के तहत ये सादक अमीन नहीं रहे, और इन्होंने खयानत की है, इन्होंने मिस डिक्लेरेशंस की हैं। सागदार साहब, इनका कहना है कि अब इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुना दिया है, अब हुकूमत को चाहिए और आवाम को चाहिए जो अदालत ने फैसला, इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है उस पर इम्प्लीमेंट करते हुए फैसला जो सज़ा है वो नज़र आ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वसीम अहमद।